वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। और आज है 23 जुलाई, 23 जुलाई है आज, और अभी सुबह के 10 बजे हैं। मैं आज बहुत देर से उठी थी 9:30 बजे, क्योंकि कल मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी रात को, तो और मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। तू ही यहाँ सो रहे थे, तो मैं वहाँ, मेरे हस्बैंड गए थे, तो रात भर थोड़ा सा वो देर से सोए, उनकी फिक्र हो रही थी, तो अभी उनको ठीक है। बस थोड़ा सा बैक पेन था, इसकी वजह से थोड़ा सा उनको पेन हो रहा था। तो उनका फ़ोन आया था 12 बजे, तो मेरे हस्बैंड गए थे, तो अभी भी मेरे हस्बैंड सुबह उठकर उन्हीं को मिलने गए हैं। चाय वगैरह हमारा हो गया है, आप देख सकते हैं वहाँ। और मैं देर से सोई, इसलिए मेरी ये आँख जो जनरली ज़्यादा ड्राई हो जाती है इसी में, तो वो आज बहुत दर्द कर रही है। मैंने 2-3 बार आई ड्रॉप्स डाले और मैंने ठंडे पानी से भी अपनी आँखों को धो लिया है, और अभी भी थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी सी छोटी हो गई है। और अभी मैंने शायर नहीं किया है, पीछे आप भगवान जी का मंदिर देख रहे हैं, त्रुही सुबह उसका जो कॉलेज का ट्यूशन होता ऑनलाइन क्लास होता है, इसलिए वो सुबह उठ जाती है, तो सुबह अगर मैं जल्दी नहीं उठती तो वो ही दिया वगैरह कर देती है। और आज लंच में अब देखती हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी आँख की वजह से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। प्रॉपर जो आँख खुलनी चाहिए वो खुल नहीं रही है अभी, तो मैं सोचती हूँ पहले मैं नहा लूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील हो जाएगा। अभी 10:17 हुए हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आप लोगों ने मेरा कल दो दिन में मैंने 3 ब्लॉग डाले हैं, एक अनबॉक्सिंग पर्पल का, एक जो सारी रिव्यूज़ आइडिया का वीडियो है वो, और जो रूटीन ब्लॉग होता है वो। आज भी मैं जो गुड वाइब्स का मैं एसेंशियल ऑयल लेकर आई हूँ, और जो मैंने मंगवाया, सॉरी लेकर नहीं आई, मगर मैंने मंगवाया है, और जो NYBA का जो स्किन डिफाइन सीरम है उसका मैं रिव्यू देने वाली हूँ, वो आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं अब सोच रही हूँ कि उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँ या इसी में उसको कंबाइन कर दूँ, तो सोच रही हूँ अलग बना दूँगी और इसमें उसका थोड़ा सा क्लिपिंग डाल दूँगी। तो चलिए मैं अब पहले शार लेके आती हूँ। कुछ भी अगर हमारे बॉडी में दर्द होता है, तब उस जो हमारा शरीर का अंग है उसकी हमें कीमत समझ में आती है। जैसे कि आँख है, हम आँख को कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उसका केयर नहीं करते, लेकिन जब आँख में दर्द होता है या कुछ चला जाता है तो उसकी कीमत हमें समझ में आती है। पेट का भी वैसा है, पेट में हम जो चाहे वो डालते रहते हैं, लेकिन जब कभी पेट में दर्द होता है, पेट ख़राब हो जाए, तब पेट की अहमियत समझ में आती है। तो ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि जब हमारे पास जो है वो चला जाए या उसमें कुछ बदलाव हो या वो थोड़ा सा बिगड़ जाए, वो चीज़ें हो या ह्यूमन बॉडी, तभी हमें उसकी कीमत समझ में आती है। और आज मेरे जो फादर इन लॉ थे, मेरे ससुर जी, उनका आज जन्मतिथि है। पिछले साल हम लोगों ने उनका बर्थडे, वो 80 साल पूरे करके 81 में उनका बर्थडे था, गई साल 81 सॉरी पिछले साल 81th बर्थडे था उनका, तो हमने अच्छे सेलिब्रेट किया था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के फार्म पर हम लोग अहमदाबाद गए थे, और हमारा पूरा जो मेरा इन लॉज का फैमिली है, मेरे चाचा ससुर, चाची जी, उनके बेटे, उनकी बेटियाँ, पूरा फैमिली हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और उनका बर्थडे एंजॉय किया था। तो आज थोड़ा सा सॉरी उनकी याद आ रही है। आज अगर वो होते तो 81 ईयर उनके कंप्लीट हो चुके होते, और 82 उनका आज 82 साल 82 साल के वो हो जाते। मैंने कई बार, एक बार मैंने घर पे भी केक बनाकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और कल रात जब फ़ोन आया मम्मी जी का कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो एक डर सा बैठ गया था दिल में।
बहुत मिस करते हैं, वो ऐसे अचानक चले गए। मम्मी जी तो अभी भी रो देती है, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ उनके सामने, मैं खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देती, वरना मैं रो दूँगी तो वो भी ज़्यादा रो मतलब कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो आज शायद मैं लंच में खमंड बनाऊंगी, पापा जी को खमंड बहुत पसंद है। वैसे मैं पहले इतने अच्छे नहीं बनाती थी, मुझे नहीं आता था, फिर एक होता है ना, आपको प्रैक्टिस करते करते उसमें आपका परफेक्शन आ जाता है। तो पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, फिर मैंने 2-3 बार बनाया, फिर मेरे से परफेक्ट खमन होने लगा। तो पहली बार जब मैंने बनाया था, मेरी बर्थडे थी मुझे याद है, और मेरे हस्बैंड मीटिंग में थे, और मीठा हमारे घर में अगर मेरे हस्बैंड ना हो तो ऐसा होता है कि भाई क्या बनाएं। पिछले साल की ही बात है, हाँ मेरी बर्थडे थी और मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी, पूरी बर्थडे मेरी ऐसे घर में अकेले चली गई थी, पूरा दिन उनका मीटिंग में था। तो मैंने सोचा कि क्या मैं बनाऊँ मीठा, तो उनको डायबिटीज़ से तो नहीं दे सकते, तो मैंने उनके लिए खमन बनाया था, मैं चलो उनकी पसंद का कुछ बनाया जाए। तो काफ़ी खुश हो गए थे, बोले थे बेटा आपने बहुत अच्छा खमन बनाया है आज। और गुड्डू भैया अभी जस्ट उठे हैं, गुड मॉर्निंग गुड्डू, गुड मॉर्निंग। और अभी आप इनको ब्रश व्रश करा के फ्रेश कर देंगे, फिर इनकी पढ़ाई करानी है। 27 जुलाई को इनकी स्कूल की एग्ज़ाम है। ऐसा स्कूल से व्हाट्सअप आ गया है, व्हाट्सअप में प्रोग्राम आ गया है स्कूल का एग्ज़ाम का। तो चलिए मैं अब फटाफट शावर लेकर आपसे फिर से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 5:30 बजे हैं। सुबह जो मैंने कहा था आपसे, वो मैंने लंच बनाया था, दाल रोटी परवल की सब्ज़ी और राइस, और मेरी मदर इन लॉ जो बीमार थे उनके लिए लूज़ मूंग की दाल जो बनाते हैं वो, और रोटी और खमन बनाए थे। मैंने वो सारा कुछ शूट नहीं किया, खमन का पिक्चर भी मैंने नहीं लिया, लेकिन अब सॉरी उसके लिए। और अब मैं शाम की चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हर रोज याद रखना, मैं हर रोज एक ही बार कहूँगा, एक ही बार, अब नहीं कहूँगा मैं आपको, एक वीडियो में आपको कहता हूँ। ओके तो चलिए चाय बनाते हैं। और मैं आपसे कुछ कहने वाली थी लेकिन भूल गई। हाँ, मेरा जो गेस्ट है ना, वो आज बिगड़ गया। उसकी जो सबसे बड़ा बर्नर होता है 4 बर्नर में, वो काम ही नहीं कर रहा। तो अब लगता है कि शायद रिपेयर करवानी पड़ेगी या तो फिर नई लानी पड़ेगी। ये वाला जो बर्नर होता है ना, सबसे बड़ा वाला, तो ये आज मतलब उसके अंदर से जो गैस का जो फ्लो आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा था। मेरी एक भी रोटियां ठीक से फूल ही नहीं रही थी। मैंने खुद से वो टूथपिक से उसको साफ़ भी किया, लेकिन पता नहीं अब शायद नहीं लानी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि खुद से ही बिगाड़ा है तुमने, ताकि तुम नहीं ला सको। मैंने कहा हाँ हो, इतना बड़ा इल्ज़ाम मैंने खुद से नहीं बिगाड़ा है, अपने आप बिगड़ गया है। और मैं जब भी अपना गैस जब मैं धोती हूँ खाना खाने के बाद, तो मैं इस बात का श्योरिटी रखती हूँ कि पानी जो है वो बर्नर पर ना जाए। आप देख सकते हैं यहाँ भी सारा कुछ क्लीन है, मैं ये सब निकाल कर रोज़ सुबह मैं साफ़ करती हूँ। ये देखिए सारे बर्नर आसपास सब कुछ, मैं जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं ये उसका जो चिपका हुआ हो तो उसको निकालने का ट्राई करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ जो है ज़िद्दी दाग जिसे बोलते हैं वो नहीं निकलते हैं। ये देखिए यहाँ का साफ़ हो गया है, लेकिन यहाँ का नहीं है अभी साफ़, ये नहीं निकल रहा है मुझसे।
तो मैं हो सके उतना अपने गैस के स्टोव को मैं अच्छा मतलब क्लीन और उसको संभालती हूँ। हर कोई संभालता है, कौन बिगाड़ना चाहेगा। तो आज पति से थोड़ा सा मतलब मीठी सी नोक झोंक कहते हैं, से मैं झगड़ा नहीं कहती हूँ कभी भी, नोक झोंक हो गई ना। तो मैं नोक झोंक कहूँगी उसको, मैं झगड़ा कभी भी नहीं कहती हूँ। वैसे टच वुड हमारे बीच में कभी ऐसा झगड़ा नहीं होता है। ये मतलब झगड़ा मतलब क्या, अब एक दूसरे को मारने पहुँच जाओ उसको झगड़ा बोलते हो आप, तो वैसा तो नहीं हुआ है कभी। और नोक झोंक तो हर पति पत्नी के रिश्ते में होती रहती है, तो वो होती है। तो बस इसी बात से आज थोड़ी सी मीठी सी नोक झोंक होगी पति के साथ कि भाई खुद तो गैस स्टोव नहीं बिगाड़ा है। और अब ये देखिए मैं चाय का पानी गर्म कर रही हूँ, इसके बाद चाय बनाऊंगी। हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आज है 24 जुलाई और मैं यहाँ हूँ आपके सामने बालों पर डाई लगाई हुई। और ये कलर लगाया है, डाई नहीं है, ये गोदरेज एक्सपर्ट जो आता है वो ब्लैक कलर मैंने लगाया है। मेरा ब्राउन कलर ख़त्म हो चुका है, मेहंदी ख़त्म हो चुकी है और बाल काफ़ी सफ़ेद हो रहे, बुढ़ी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तो सोचा कि चलो भाई कलर कर दिया जाए सुबह सुबह। ये खाना हो गया है, दो सब्जियां बनी हैं आज, भिंडी की वही गार्लिक वाली स्पेशल, फिर से डिमांड आई उसकी वजह से। ये देखिए ये भिंडी की सब्जी है गार्लिक वाली, और मदर इन लॉ को टिफिन भेजना है तो उनके लिए कुंदरू आलू की सब्जी, ये दाल, कुकर में राइस और आटा मेरे हाथों में लगा है जो मैं फाइनली इसको टच दे रही हूँ, फाइनल टच। तो बस सुबह का यही टाइम है, कल थोड़ा सा ही ब्लॉग किया था क्योंकि मैंने कल आपको बताया कि परसों बताया था ब्लॉग में, आप देखेंगे कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत परसों रात को ख़राब हो गई थी, एकदम से बैक पेन था, तो कल पूरा दिन उन्हीं की दौड़ा क्या बोलते हैं उसके दौड़ धाम में या दौड़ा दौड़ में दौड़ा दौड़ी में थे। तो आज सुबह से बस आज सुबह में 8 बजे उठी थी, हाँ परसों का बहुत थकान थी, ये उनकी तबीयत ख़राब थी इस वजह से यहाँ इस घर से उस घर, इस घर से इस घर करते करते, तो आज आँख देर से खुली सुबह उठकर। और ये हमारे गुड्डू भैया अच्छे से नहा कर आ चुके हैं। हेलो अब पढ़ने बैठेंगे अपने स्कूल के वीडियोस क्वेश्चन कर लो। और मैं अब जाऊंगी नहाने, 11:30 बजने का टाइम है। त्रुही बाहर गई है मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ बाहर गई है, वो मदर इन लॉ के वहाँ जाली है बाहर मेन, उस पर मच्छरदानी लगवानी है तो वो लोग वो लेने गए हैं, वो लोग आते होंगे। अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर अब से बात करती हूँ। ईह फ़ोन गिर गया। तो अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि आपके मोबाइल की घंटी बज जाए जब मेरा वीडियो अपलोड हो। और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और क्या बोलूँ, कमेंट भी कर दो यार अच्छी, अच्छा लगे व्लॉग तो ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। क्या कल के व्लॉग में, अभी व्लॉग शुरू हुआ है कल के व्लॉग में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ है, तो ये मेरी बदौलत है जो मुझे बहुत ही बुरी आदत है, ये जो आप दो साइड यहाँ जो ब्लैकेस देखते हैं ये मेरी बदौलत है। प्लकिंग कर रही थी अपर लिप्स के हेयर को, तो स्किन थोड़ी सी अंदर आ गई, इस वजह से यहाँ ये ऐसा हो गया है, यहाँ भी काले धब्बे इसी वजह से पड़ गए हैं। और ये भी तब तक कोई समझाने वाला नहीं था कि भाई ऐसा मत करो धब्बे पड़ जाएंगे, अब पड़ गए तो क्या करें, पड़ गए अब कंसीलर चपड़ चपड़ कर इसको छिपाना पड़ेगा। आ जाऊँगी मेकअप के साथ ताकि ये छिप जाए। और ये कल मैंने रात को शाम को जब मैं बाहर गई तब मैंने ब्लू आईलाइनर लगाई थी NYB की, जो अभी तक मेरे आंखों में चिपकी हुई है, देखो
आटा बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद आपको मिलती हूँ। ओके, अभी मेकअप नहीं करूँगी, खाना बनाना है दोपहर को। बाय बाय। अगर आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपको मैं सजेशन दे देती हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है प्लीज़। ये जो लॉरियल का जो आता है फॉल रेजिस्ट, ये यूज़ कीजिए, बाल बिल्कुल नहीं आपके गिरेंगे। और उसी का कंडीशनर यूज़ कीजिए। फिलहाल मैं कंडीशनर ले जा रही हूँ, शैम्पू तो अंदर है, तो ये शैम्पू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। नॉन स्पॉन्सर वीडियो है यार, इतने कम सब्सक्राइबर में कौन स्पॉन्सरशिप देगा, समझ सकते हो आप। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ नहाने, और ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके बाल रियली में कम गिरने लगेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बंद हो जाएंगे या फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बहुत दिनों के बाद अदरक वाली चाय, काफ़ी दिन हो गए, इसको अच्छे से मैंने धो लिया है और ड्राई कर लिया। ये देखिए कहीं से भी गीला नहीं दिख रहा है। हाय फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बजे हैं और सारा काम जो सुबह का दोपहर मतलब शाम की चाय वगैरह हो गई है। मेरे हस्बैंड मदर इन लॉ के वहाँ गए हैं और मैं यहाँ ये मेकअप लुक करने के लिए बैठी हूँ। उनका तबीयत ठीक है अभी, मैंने अभी फ़ोन करके पूछा उनसे। और अभी बाहर कॉर्न को बॉईल किया जा रहा है। आज मेरे हस्बैंड, आपने देखा, काफ़ी सारे कॉर्न्स लेकर आए हैं, तो गुड्डू को कॉर्न बहुत पसंद है, तो अभी उनकी कॉर्न चाट बाहर बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बाय द वे, ये मेकअप लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ये मेकअप लुक जो मैंने सिर्फ ब्लू आईलाइनर से मैंने क्रिएट किया है, और यहाँ मैंने सिंपल एक पीछे बन बनाया हुआ है, और ये पूरा आउटफिट है मेरा, आप देख सकते हैं इस तरह से है मेरा पूरा कुर्ता। पीछे रेड कलर के एलिफेंट है, रेड एंड सिल्वर। तो ये है मेरा ब्लू कलर का कुर्ता जिसमें रेड कलर की यहाँ बटन्स टॉप्स लगे हैं, और पीछे सिल्वर और रेड का एलिफेंट बना हुआ है, और यहाँ साइड में इस तरह से ये रेड और ब्लू के लटकन दिए गए हैं। मुझे कुर्ता बहुत पसंद है, मैंने सोचा कि मैंने जो ब्लू आईलाइनर मंगाई थी purple.com से, इसी पर्पज़ से मंगाई थी कि मैं इस पर कोई ब्लू आई शेडो या ब्लू आईलाइनर से मैं मेकअप क्रिएट करूँ। तो आपको कैसा लगा ये मेकअप, और आप अगर ये मेकअप लुक का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस चैनल पर भी लिंक डाल दूंगी, अदरवाइज आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, तनुज ब्यूटी जोन गुजराती, वो मेरा दूसरी चैनल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, कई बार मैं बोलती हूँ डिस्क्रिप्शन में लेकिन मैं देना भूल जाती हूँ, या फिर मुझे कोई प्रोडक्ट की लिंक नहीं मिलती होती तो मैं नहीं आपको दे पाती। ओके, तो इसके लिए सॉरी। और चलिए अब आगे का व्लॉग करते हैं। आज सुबह आपने देखा कि मैंने कल का व्लॉग भी थोड़ा सा डाला हुआ था, कल कोई व्लॉग नहीं डाला था, तो आज 2-in-1 कम्बाइन है। और सुबह जो मैं आपने देखा कि मैंने दाल रोटी राइस दो सब्ज़ी बनाई थी आज, और अभी रात का कुछ ठिकाना नहीं है क्या बनाऊंगी, कुछ पता नहीं। अभी तो ये लोग बाहर कौन खा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ओके, तो और आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ट्राई करती हूँ अपने चैनल को और इम्प्रूव करने के लिए, वीडियोस को और इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप लोगों को देखने को अच्छा लगे, मज़ा आए देखने का। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा,
मैं उससे नेगेटिव कमेंट में नहीं लेती हूँ, मैं पॉजिटिव सजेशन के तौर पर आपका कमेंट लूँगी। ओके तो चलिए देखते हैं बच्चे बाहर क्या करते हैं। यहाँ फ़ैन चालू है इसलिए मुझे माइक का यूज़ करना पड़ा, अदरवाइज मुझे ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है, तो जो आवाज़ है कैमरे में आते आते वीडियो में फट जाती है पूरी तरह से। ओके तो चलिए मिलती हूँ आपको बाहर जाने के। और ये देखिए मैं अंदर वीडियो बना रही थी और यहाँ किचन का हाल, त्रुही ने ये सब बॉयल किया है अच्छे से, लेकिन ये गुड्डू भाई ने सारा मैसअप कर दिया। तो ये है अभी डिनर का कुछ ठिकाना नहीं है। और ये हमारे गुड्डू भैया जो बेचारे के दांत तो है नहीं, लेकिन इनको खाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ ओनियन और टोमेटो की प्योरी रेडी हो चुकी है, कुकर में मैंने फिर से बॉईल करने के लिए रख दिया है। सिंपल कॉर्न को अमेरिकन कॉर्न समझकर थमा दिया, तो ये अमेरिकन कॉर्न नहीं है, जो हमारा जो देसी क्या बोलते हैं भुट्टा वो है, बिल्कुल भी मीठा नहीं है। गुड मेरे बेटे ने बेचारे ने एक कटोरी खा ली, मैंने कहा ये बॉईल क्यों हो नहीं रहा, छः सीटी लगाने के बावजूद भी ये बॉईल नहीं हो रहा था। पसीना पसीना हो रहा है, मुझे मेकअप रिमूव करने का भी टाइम नहीं मिला। तो अभी त्रुही मदर इन लॉ के वहाँ गई है लौकी लेने के लिए, और यहाँ तीन सीटियाँ दोबारा मैं अभी लगा चुकी हूँ, चौथी लग रही है। आटा गूंद रही हूँ और लौकी आलू की सब्जी अभी त्रुही लौकी लेके आएगी फिर बनाऊंगी, और शायद आज ये घी नहीं बन पाएगा। दो पैर को मैं ये मेकअप करने वाली थी, लेकिन दो पैर को मेरे हस्बैंड की मीटिंग चल रही थी तो वो अंदर बैठे हुए थे, तो मैं दो पैर को ये मेकअप नहीं कर पाई। शाम को 5 बजे मैं अंदर बैठी, फिर फ़ोन आए, खड़ी हुई, बाहर आई, ये हुआ वो हो, इस काम में बैठे बैठे मैं 6:30 बजे अंदर बैठी मेकअप करने के लिए। फिर जो मेकअप है वो थोड़ा देर तो लगती है, ऐसा मैं जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमाया और मेकअप हो गया। तो चलिए मिलती हूँ ये कॉर्न बॉईल हो जाए उसके बाद। ये देखिए उनको सिर्फ लौकी की सब्ज़ी खानी थी तो मैंने सीटी लगा दी है, लौकी की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, अब ये स्वीट कॉर्न तो नहीं है फिर भी चलिए सब्ज़ी बनानी तो है, बना लेंगे अच्छे से। तो ये तेल गर्म हो चुका है, यहाँ ये दो प्योरी है और ये मैंने गार्लिक और अदरक का पेस्ट है वो तैयार कर दिया है, ये ज़ीरा डाल दिया है मैंने। और अब इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें तमालपत्र, तेज़पत्ता, वो बादिया होते हैं वो, 2 टुकड़े सिनेमिन और 3 लौंग, इससे क्या है थोड़ा पंजाबी जैसा फ्लेवर आ जाएगा। और अब जो ये पेस्ट है गार्लिक और अदरक की वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब इसको धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे ताकि गार्लिक का जो फ्लेवर है वो पूरे ऑयल में आ जाए। मस्त ये जलना नहीं चाहिए गार्लिक, ये आपको ख्याल रखना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये ओनियन की प्योरी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसको पकाना है जब तक ये हल्का गुलाबी ना हो जाए। और यहाँ देखिए हमारा जो प्याज है वो थोड़ा सा भुन चुका है पिंक कलर का, अब इसमें मैं ये टोमेटो की प्योरी डाल रही हूँ। ये मिक्सी चलाते वक्त थोड़े सा गिर गई नीचे, मतलब ढक्कन लूज था तो फ्लो हो बाहर आ गया इसका, तो वो भी सारा काम बढ़ गया, वो भी मैंने साफ के शूट किया था लेकिन मैंने वो क्लिप निकाल ली क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था। और ये इस ग्रेवी को जब तक ये पानी इसका पूरा जल न जाए टोमेटो का तब तक इसको पकाना है, थोड़ी सी थिक ग्रेवी कर देनी है इसकी, तब तक हमें इसे धीमी आंच पर पकाते रहना है। इसमें रॉयल फ्लेवर देने के लिए आप मगजतरी की जो पेस्ट होती है वो डाल सकते हैं, काजू की पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो बस इसको पकने देना है। और स्वीट कॉर्न तो नहीं है, आप लोगों ने देखा, ये देखिए पूरी 11 सीटी बजने के बाद भी ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये स्वीट कॉर्न नहीं है। मुंह में चली जाए ना सब्जी, यही बहुत है।
इतनी मेहनत करने के बाद अब ये चीज डालने को बोल रहा है, क्या करूँ, क्या समझाऊँ इसको कि इस सब्जी में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्या करूँ बताइए आप लोग। और मैं 4 बर्नर का गैस स्टोव नया लेने का सोच रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि कौन सी कंपनी का अच्छा आता है। ये मेरा इसको 10-12 साल हो चुके हैं इस गैस स्टोव को, मार्वल कंपनी का है। अब वो कंपनी है भी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ग्लास की अच्छी रहती है या मैं स्टील की ही लूँ ये भी मुझे बताइएगा, मेरी इतनी हेल्प ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसका कच्चापन थोड़ा थोड़ा सा दूर हो चुका है, अब इसमें मसाले कर देंगे हम लोग। मसालों में यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, पीली नहीं चाहिए हमें ये सब्ज़ी, येलो कलर नहीं चाहिए। धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला अगर हो तो गरम मसाला भी डाल दीजिए, गरम मसाला नहीं है मेरे घर में। अब इसको मिक्स करना है, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, अब इसको पकने देना है जब तक ये सारा कुछ मिक्स हो जाए, अब तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना गाढ़ा ग्रेवी जैसा, इसको ऑल पर्पज़ ग्रेवी भी बोलते हैं। ये देखिए तेल छूटने लगा, इस ग्रेवी को भी अगर आप स्टोर कर दोगे ना तो किसी भी सब्ज़ी में ये चल जाएगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ग्रेवी वाला सब्ज़ी होता है, पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। और ये देखिए सब्ज़ी हो गई है, ढककर रख देती हूँ ताकि कोई छींटा ना उड़े गार्लिक का। तो मैंने इतना पानी डाल दिया है और अब मैं इसमें कॉर्न डाल रही हूँ। कॉर्न तो काफ़ी सारे बॉईल कर दिए बच्चों ने, लेकिन ये स्वीट कॉर्न नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी भी ये थोड़े से हार्ड है 11 सीटी बजने के बाद। नेचुरली ये स्वीट कॉर्न नहीं है, सिंपल हमारा देसी भुट्टा है तो ये सॉफ्ट नहीं होगा, ये भुनने वाला तो भुट्टा। ये देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी है, स्मेल तो अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, सब खाएंगे तो पता चलेगा। ये लौकी की सब्ज़ी हो गई, ये आटा भी रेडी हो गया है। इतना सब कॉर्न मैंने रहने दिया, बच्चों ने ज़्यादा बॉईल कर दिया था, सोचा बेचारों ने स्वीट कॉर्न है तो खाएंगे, लेकिन मज़ा नहीं आया इसलिए मैंने इतना रहने दिया है। और मैं अभी जस्ट अपना मेकअप जो वाइप्स है मैं उस रिमूव करके आई हूँ। और बाहर यहाँ ज़ोरों से बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं सुनाती हूँ आपको। एकदम ज़ोरों से बारिश हो रही है और अब मैं ये, तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो आज तक का। तो आपने देखा मेरा दिन, अभी 8 बजे मुझे पता चला कि मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो सब्ज़ी सारी हो गई है, बाहर बारिश भी है। तो चलिए ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं कौन सा वाला नया गैस स्टोव लूँ, क्योंकि ग्लास स्टोव लूँ या ये जो स्टील का है वही लूँ, और कौन सी ब्रांड का लूँ। ओके तो मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, बाय बाय।